कौशल है प्रकाश के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश एक प्रकार की प्रकाशित ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके द्वारा वस्तुएं क्या होती है हमें दिखाई पड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाशित वस्तुएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, प्रकाशित वस्तुएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी प्रकाशित वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको बताया जाता है बल्ब हो गया, मोमबत्ती, लैंप आदि, ये सब क्या होते हैं, प्रकाशित वस्तुओं के प्रदीप्त के प्रकार हो गए। इसके बाद दूसरा क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं ऐसी प्रकाशित वस्तुएं होती हैं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का प्रयोग दैनिक जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, अदीप्त वस्तु। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, ठीक, कुर्सी, दीवार आदि, ये सब क्या होते हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसके बाद किरण पुंज की बात कर लेते हैं। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज में होता है आपका दो या दो से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, जिसमें ये तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा आपका होता है समांतर किरण पुंज। ये तीन प्रकार के किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज की बात किया जाए, जब दो या दो से अधिक किरणें या किरणों का समूह किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हों, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। दूसरा क्या होता है आपका अपसारी, ये हो गया आपका अभिसारी। दूसरा है अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक किरणें या किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलता है या निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो इन किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर हो, तो इन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ये हो गया किरण पुंज, समांतर। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन, इम्पॉर्टेंट है
प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, ये डीएलएड के फॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है और साइंस में ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी परावर्तक या चिकने सतह पर पड़ती है, तो सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। पुनः क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह क्रिया प्रकाश का क्या कहलाएगा? परावर्तन। यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये मुख्यतः देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जो प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ती है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक किरण। ये हो गया ऑप्टिक। और जो टकरा करके वापस लौटती है, ये होती है परावर्तित। और जो परावर्तक सतह पर लंब होता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। अब इसके बाद है आपका, फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो टकराने के बाद, तल से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जो किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है, इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और जो टकरा करके वापस लौटती है, यह परावर्तित किरण कहलाती है। जो परावर्तक सतह पर लंब होता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, इसको कहा जाएगा आपतन कोण आई। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा, इसको कहा जाएगा परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन की क्या नियम, इसमें यह बताया जाता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला होता है, पहला आपतित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये होता है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव, सदैव परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर की।
बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अर्थात कोण आई कोण आर के बराबर, कोण आई क्या होगा कोण आर के बराबर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद पढ़ना है फिर से एक बार प्रकाश के परावर्तन को समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है कि पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये कहता है कि आपतन कोण आई हमेशा कोण आर के इक्वल होगा, माने प्रकाश के परावर्तन की क्रिया तभी संभव होती है जब कोण आई कोण आर के क्या होगा बराबर होगा, ये इसका नियम। इसके बाद क्या है, गोली दर्पण के बारे में आपसे पूछा जाता है कि गोली दर्पण क्या होता है। सबसे पहले गोली दर्पण की बात करें, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। गोली दर्पण क्या होता है, खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग, खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके किसी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाता है और परावर्तन की क्रिया जो होती है वो अन्य दूसरे सतह से, माने ऐसा गोली दर्पण, कहने का मतलब खोखले कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके किसी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया अन्य दूसरे सतह से हो, इसको हम कहते हैं गोली दर्पण। ठीक, अब गोली दर्पण को क्या किया गया, दो वर्गों में बांट दिया गया। गोली दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला होता है, एक होता है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। गोली दर्पण में आपको बताया जाता है कि अवतल दर्पण की बात करें तो ऐसा गोली दर्पण होता है जिसके उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, माने कलई कर दिया जाता है। ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए सतह को क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया क्या हो, दबे हुए सतह से, कहाँ से हो, दबे हुए सतह से होती है, तो ऐसे गोली दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ये इसका मिरर का ये नमूना सिरा है और ये कहने का मतलब ये हुआ, अवतल दर्पण की बात किया जाए तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए सतह को पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया दबे हुए सतह से होती है, इसे हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरा आपका है उत्तल दर्पण, सेकंड में आपको मिलेगा उत्तल दर्पण। यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड के पर्पज से लिखित परीक्षा के लिए आपका मोस्ट वेलकम। आप चैनल को देखिए और पढ़िए, जो ना समझ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उत्तल दर्पण ऐसा गोली दर्पण होता है जिसके दबे हुए सतह को पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया उभरे हुए सतह से होती है। परावर्तन क्रिया कहाँ से होती है, उभरे हुए सतह से होती है, ऐसे गोली दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए सतह को पॉलिश कर दिया जाए और परावर्तन की क्रिया उभरे हुए सतह से होती है, इसे कहा जाता है क्या, और उत्तल दर्पण। ठीक, अब क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिसको ये भी जान लीजिए। दर्पण से संबंधित
दर्पण से संबंधित संबंधित महत्व पहला होता है, सबसे पहले आप जानेंगे ध्रुव ज्ञान। दर्पण के परावर्तक तल का मध्यबिंदु दर्पण का ध्रुव ज्ञान। ये दर्पण है, इसका ये परावर्तक सतह होता है, इसका मध्य बिंदु जो है ये दर्पण का ध्रुव ज्ञान है। दर्पण के परावर्तक तल का मध्यबिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरा पॉइंट होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का केंद्र, गोली दर्पण का केंद्र। जैसे ये गोला है, अगर ये ऐसे बनता इसका ये केंद्र हो गया। अब ये गोली दर्पण का केंद्र जो होगा वही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से लिखा जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको मिलता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव और केंद्र, ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी जो होती है इसी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे आर से लिखा जाता है। मतलब ये दर्पण हो गया, दर्पण का ये ध्रुव पॉइंट हो गया और ये केंद्र हो गया। दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या आर। ठीक, इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष की बात किया जाए तो मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है यही कहलाती है क्या? मुख्य। दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए पूरे पॉइंट को। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको ध्रुव के बारे में बताते हैं। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक, ये दर्पण हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, इसका मध्य बिंदु दर्पण का क्या हो गया? ध्रुव हो गया। दूसरा क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद क्या है आपका मेन पॉइंट चलेगा? अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? अवतल। और ये दर्पण का क्या हो गया? मुख्य अक्ष। दर्पण का क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब इसकी कितनी कंडीशन बन सकती है कि वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रख करके अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है? पहली कंडीशन होती है जब ये इनफाइनाइट पर हो। दूसरी कंडीशन होती है जब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में हो। पहले यहाँ पे अनंत में हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में हो सकता है। तीसरा क्या होगा? सेंटर पर हो सकता है। चौथी कंडीशन होती है सेंटर और फोकस के
बीच में हो सकता है। पांचवी कंडीशन होती है जब फोकस पर हो, और छठवीं कंडीशन होती है फोकस और ध्रुव के बीच में। क्लियर हो गया। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन क्या होगी। सबसे पहली कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वह वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा पॉइंट के शेप का कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। जैसे ये हो गया इसका ध्रुव। अब यहाँ पर अनंत पे मतलब यहाँ भी हो सकती है वस्तु और यहाँ भी हो सकती है वस्तु। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से जाएंगी। और दूसरा है ये भी कहाँ से, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। माने कहने का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक वास्तविक होगा, तो हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत और केंद्र के बीच। दूसरी कंडीशन होगी दूसरा वाले में जब वस्तु अनंत तथा केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और केंद्र के बीच स्थित हो, तो क्या होता है, तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा। देखिए ये एक दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये दर्पण का ध्रुव हो गया। वस्तु कहाँ रखना है, ये इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, जो भी होगा। अब जैसे मान लीजिए वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया, अब इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरा कहाँ से जाएगी, केंद्र से जाएगी, और केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही इसका इमेज होगा, वस्तु हो गया, और ये इसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो कहने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक, माने कहने का मतलब जब वस्तु अनंत और केंद्र के बीच में होगा तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होगा। छोटा कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच बनता है, फोकस और केंद्र के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा फोकस और केंद्र के बीच बनता है। ठीक, अब कंडीशन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, तो इसके द्वारा क्या होता है, देखिए जैसे ये मान लीजिए क्या हो गया, एक आपका ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक, अब ये मान लीजिए
ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव हो गया। वस्तु कहाँ रखना है, केंद्र पर, ये मान लीजिए केंद्र हो गया, वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, वस्तु अगर केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वस्तु के बराबर बनेगी, कहाँ बनेगी, केंद्र पर ही बनेगी, कहाँ बनेगी, केंद्र पर बनेगी। दूसरा कहाँ जाएगा, और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के, कहने का मतलब ये कहाँ पे बनेगा, केंद्र पर बनता है, माने जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, केंद्र पर रखा जाता है, तो वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होगा, ऐसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है, ऐसा बनता है, वस्तु के बराबर केंद्र पर बनता है, कहाँ बनता है, केंद्र पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर सेंटर पर ही बनता है। अब इसकी चौथी कंडीशन होती है जो कि इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, चौथी कंडीशन में क्या होता है, फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिएगा इधर, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, वस्तु को ये मान लो सेंटर है, ये मान लीजिए फोकस है, इसके बीच में वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया। जब वस्तु को यहाँ पे रख दिया गया इसके समांतर प्रकाश की किरण गई, इसके समांतर मुख्य अक्ष के, और ये कहाँ से आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से गई, और दूसरा कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। अगर सेंटर से जाएगी, सेंटर से नहीं फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाने के बाद क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब ये वस्तु हो गया और ये इसका प्रतिबिंब हो गया, और आपने देखा होगा कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, माने वास्तविक वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा केंद्र और अनंत के बीच बनता है। केंद्र मतलब सी, केंद्र और अनंत के बीच बनता है। माने जब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पांचवी कंडीशन में क्या होता है, जब वस्तु को फोकस पर ही अगर रख लिया जाए तब क्या होगा। अगर मान लीजिए पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो क्या होगा, देखिए जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा, जैसे मान लीजिए दर्पण हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। वस्तु कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है, ये फोकस हो गया। वस्तु कहाँ रखना है, फोकस पर रखना है। जब वस्तु को फोकस पर रखना होगा तो फोकस पर अगर रखा जाएगा तो पहले जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये वस्तु हो गया, ओ डैश वस्तु हो गया। अब इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरा कहाँ से जाएगी, वो सेंटर से जाएगी,
और जब सेंटर से जाएगी तो ये क्या होगी, जाकर के दर्पण से जिस रास्ते से जाएगी उसी से क्या होगी, टकरा करके वापस लौटेगी। तो ऐसे कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। जैसे कि आपका यहाँ पर होगा वास्तविक होगा, वास्तविक कमा उल्टा वस्तु के, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में आपको बताया जाता है, मान लीजिए क्या हो गया, जब वस्तु फोकस या परिस्थिति, कहने का मतलब इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कब इसको पता चलेगा, जब इसके सामने कोई फिल्म या पर्दा लाएंगे तो उस पर इस वस्तु का इमेज बनेगा जो बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अंतिम कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कहने का मतलब जब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, देखो जब वस्तु, ये आपका छठवीं कंडीशन है, जब वस्तु वस्तु फोकस तथा यफ तथा पी के बीच स्थित हो, यफ तथा पी के बीच स्थित हो, कहने का मतलब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिएगा ये आपका क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, और ये दर्पण का क्या हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब वस्तु को मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और वस्तु को जैसे मान लीजिए केंद्र हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। अब इसके बीच में वस्तु को रख दिया गया, अब जब वस्तु को रख दिया गया इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी, और समांतर जाने के बाद ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा कहाँ से जाएगा, केंद्र से जाएगा, और केंद्र से जाने वाले प्रकाश की किरण जो होती है, कहने का मतलब ये ऐसे जाकर के टकराएगी, आगे कहीं ना कहीं ये जाकर के मिलेगी, और जहाँ पर मिलेगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हो गया आपका आईआईडस, कहने का मतलब ये केंद्र हो गया, और केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है वह दर्पण से टकरा करके पुनः वापस लौट जाती है। तो ये कहने का मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर, ये था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है आपका, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब आपका होगा उत्तल दर्पण, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। इसमें क्या होता है, इसकी केवल एक ही कंडीशन अगर याद होगी, यही कंडीशन बनेगी कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर मैंने वस्तु रख दिया, ये ओ ओ डैश हो गया, अब इसके समांतर प्रकाश की किरण जाएगी और ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा क्या होता है, तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहीं रख दिया जाता है तो ये आने वाले प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देगा, और ये जाकर के कहाँ से फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण फोकस सेंटर से जाएगा, कहने का मतलब ये सेंटर से जाएगा, और सेंटर से अगर जाएगा जहाँ पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यहीं पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये होता है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।